Hey guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Kashmira and आज की वीडियो में हम रेजिन आर्ट करने वाले हैं. हम कोस्टर्स बनाने वाले हैं रेजिन से. तो उसके लिए मैं ये स्टार्टर किट यूज़ कर रही हूँ. अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आप इस स्टार्टर किट से शुरुआत कर सकते हो अपने रेजिन आर्ट की. तो इस स्टार्टर किट में आपको दो अलग अलग मोल्ड्स मिल जाएंगे. उसके बाद आपको बियॉन्ड मिक्स का तीन डिफरेंट कलर्स के टिंट्स आ जाएंगे उसमें, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. तो ये तीन कलर काफ़ी हो जाते हैं. उसके बाद आपको उसमें मिल जाएगा सैंड पेपर. ये बियॉन्ड मिक्स का लिक्विड है और बियॉन्ड मिक्स का बेस पाउडर. ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टर किट में मिल जाएंगी. तो ये स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है. उस पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स आप मेरा वीडियो भी देख के बना सकते हो. मैंने सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं. ये एक टी लाइट होल्डर का भी मोल्ड है. अगर आप और ज़्यादा कुछ बनाना चाहते हो तो आप ये वाला भी परचेस कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले आप एक कप ले लो जो यूज़ एंड थ्रो होता है. रेजिन आर्ट अगर आप कर रहे हो तो ऐसे कप्स लेके ही रखो. इसमें हम ये बियॉन्ड मिक्स का लिक्विड डालेंगे. 10 ग्राम हमें उसमें ऐड करना है. और उसके बाद हम कोई भी कलर का टिंट ले लेंगे. मैं ग्रीन कलर का ले रही हूँ तो हम उसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे, 5 to 6 ड्रॉप्स. और उसके बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब ये मिक्स हो गया अच्छे से. मिक्स होने के बाद हम इसमें वो जो बेस पाउडर मैंने दिखाई थी वो वाली हम इसमें ऐड करेंगे. तो वो हम इसमें 25 ग्राम्स ऐड करेंगे. तो बेसिकली हम 1 पार्ट ऑफ लिक्विड एंड 2.5 पार्ट्स ऑफ पाउडर ऐसा मिक्स करते हैं. और फिर अगेन हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. इसको आपको केयरफुली मिक्स करना है. कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. एक अच्छी कंसिस्टेंसी आने तक उसको मिक्स करो. सेम ऐसा मैंने और एक बना लिया है 10 ग्राम्स एंड 25 ग्राम्स का बेस पाउडर करके. उसमें मैंने ब्लू कलर कर दिया. अब ये जो कोस्टर का मोल्ड है इसको यूज़ करके हम इस पर पोर कर सकते हैं ये मिक्सचर. आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए वैसे डिज़ाइन के हिसाब से आप उसको पोर कर सकते हो. इस रेजिन की खास बात यह है कि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और ये वाटर बेस्ड है और पूरी तरह सॉल्वेंट फ्री है. हम जब रेजिन यूज़ करते हैं तब कभी कभी हमारा हेडेक हो जाता है या फिर हमें कुछ अलग फील होता है, तो ये सारी चीज़ें ये रेजिन यूज़ करते वक्त नहीं होती. तो ये एक अच्छी बात है, टोटली नॉन टॉक्सिक है ये. इस वजह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके साथ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं वो नॉर्मल वाला रेजिन यूज़ करती हूँ तब मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होता है. तो यस, उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं या फिर पता नहीं कौन से गैसेस इमिट होते हैं उसकी वजह से वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो इसके ऊपर बैक साइड में मैं ग्रीन कलर डालने वाली हूँ. तो ये ग्रीन कलर हमारे फ्रंट साइड में मिक्स दिख सकता है, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 30-40 मिनट्स तक रुक जाओ और उसके बाद जो पीछे का एक लेयर है वो पोर करो.
या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, बट उस केस में आप उसको ज़्यादा मूव मत करो। अगर आप बहुत मूव करोगे उसको तो वो जो पीछे का ग्रीन कलर है वो आगे के ब्लू के साथ भी मिक्स हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हमें अलग अलग कलर्स चाहिए, राइट? ब्लू फिर ग्रीन फिर ब्लू फिर अगेन ग्रीन, ऐसा मैंने वर्क किया था। तो वैसा देखते हैं अभी कैसा दिखता है फाइनल आउटकम में। इस तरह से आप थोड़े अगर बबल्स उसमें रह गए होंगे तो वो निकाल सकते हो। अब हो गए हैं हमारे, एक घंटा हो गया है, एक घंटे के बाद आप मोल्ड निकाल सकते हो डायरेक्टली। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है इस रीजन के लिए। बट उसके बाद आप मिनिमम 24 आवर्स तक उसको क्योर होने दो। एकदम अच्छे से एजेस आ गए हैं फाइनल आउटकम में और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, परफेक्ट। अच्छा दिख रहा है वैसे फ्रंट साइड से भी। जो पीछे की साइड है उस पर आपको सैंडिंग की ज़रूरत है, बट फ्रंट साइड में तो कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, क्योंकि वो मोल्ड का अच्छा एक परफेक्ट शेप आ गया है उसको। तो ये हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आफ्टर 24 आवर्स एंड उसकी फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और टफ है उसका स्ट्रेंथ भी, जब आप बनाओगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि काफ़ी टफ है, कुछ नहीं होगा उसको। ऐसा मैंने और एक बनाया है, इसमें मैंने दो टाइप के रीजन्स यूज़ किए हैं। जो नीचे का बेस है वो मैंने बियॉन्ड मिक्स का यूज़ किया है और ऊपर का जो है वो नॉर्मल क्लियर रेजिन यूज़ किया है उसके ऊपर। तो ऐसे दो के कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो। और सेम मैंने और एक ये बनाया है, इसमें मैंने और एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ की है। ये ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में है। इसके नीचे के साइड में ये ब्लू कलर का है और ऊपर के साइड में भी ब्लू कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन, इस तरह से बनाया है ये। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि ये वाले कोस्टर्स का भी ट्यूटोरियल मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो गाइज़ आज के वीडियो में हम कुछ नया सीखे हैं, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। एंड यस, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन and subscribe for more videos like this. So guys, see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.